6 मंथ में जो बेबी का वेट है वो 540 ग्राम है, पर डॉक्टर ने कहा कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। मतलब बच्चा वीक है, कमजोर है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। क्या नहीं हुई? बस सबसे मेन पॉइंट है कि जब इन्होंने 6वें महीने में टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने ये प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने सेम मेरी बात को पकड़ा। बोलो क्या है, जैसे पॉलस कहता है मैं मसीह की चाल चलता हूं तो मेरी सी चल। फिजियो 5:1 में लिखा तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, उसकी रीस करो। इब्रानियों 13:5 में लिखा तुम अपने अगुओं की भी रीस करो। क्या करो? अपने अगुओं की भी रीस करो। इसलिए जो बुद्धिमान वो पकड़ ले। हालेलुया। तो इस सिस्टर का नाम हरप्रीत है और जो अमृतसर वाला गांव के रहने वाले हैं। और जिस सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि पिछले मार्च महीने से जे बता रहे कि इनके पेट में दर्द रहती थी और जे बता रहे कि 3 महीने हो गए थे जे दर्द के कारण काफ़ी परेशान थे और जे बता रहे कि जैसे जे डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए गए तो जे बता रहे कि जैसे डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बताया कि आपकी जो दर्द इसलिए है क्योंकि आप प्रेग्नेंट हो और उस समय इनके प्रेगनेंसी का टाइम 2.5 महीने का था। और जो बता रहे हैं कि फिर डॉक्टर ने इनके इनका ट्रीटमेंट बच्चे का जो भी था करना शुरू किया और इनको कुछ मेडिसिन दी और जो बता रहे कि इन्होंने मेडिसिन खाना शुरू कर दिया और जो बता रहे कि जो कि इनकी दर्द रहती थी वो परमेश्वर जो बता रहे वो तो मेडिसिन से सही हो रही थी। और जो बता रहे कि जैसे फिर इनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा वीकनेस शुरू हो गई थी, बहुत ज़्यादा जो बता रहे कि दर्द से तो परमेश्वर ने मुझे आज़ाद कर दिया था पर जो वीकनेस थी वो अभी थी मेरे मुझ में, बहुत ज़्यादा काम करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही थी। और जो बता रही है कि जैसे फिर जब से इनको 6वां मंथ स्टार्ट हुआ तो उस समय इन्होंने बताया कि जैसे इन्होंने अपनी अल्ट्रासाउंड कराई प्लस कुछ और भी रिपोर्ट कराई तो जैसे कि इन्होंने जब वो रिपोर्ट कराई तो डॉक्टर ने जब वो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट चेक की तो उसने बताया, हम उस रिपोर्ट को देख सकते स्क्रीन पर, डॉक्टर ने कहा कि इनका जो HP है वो 9 ग्राम है और जो इनके बेबी का जो वेट है वो 540 ग्राम है। तो डॉक्टर ने कहा कि वेट बहुत ही कम है, इतना वेट नहीं होना चाहिए 6वें मंथ में। और जो बता रहे हैं कि HP कम होने के कारण इनके बॉडी में इतनी वीकनेस रहती थी जो अपना कोई काम नहीं कर सकते थे, इनको चक्कर आते थे और जो बता रही इसके कारण जो काफ़ी परेशान थे। डॉक्टर जैसे डॉक्टर ने फिर इनको कुछ मेडिसिन लिख कर दी और जो बता रहे कि जैसे ही उस जब इनको जो रिपोर्ट मिली और सब कुछ डॉक्टर ने बता दिया तो जो उस समय हॉस्पिटल में जो बता रहे इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना की कि जो भी परमेश्वर जी डॉक्टर ने बोला है कि बेबी का वेट 540 ग्राम है और जो इनका HP 9 ग्राम है और जो उसी समय इन्होंने विश्वास किया कि मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर जी मेरी जितनी भी अभी नेक्स्ट जब मैं रिपोर्ट कराऊंगी तो सब नॉर्मल आएंगे। उसी समय इन्होंने परमेश्वर के आगे और भी विश्वास से मांगा और जब बता रहे इन्होंने घर आकर ना तो अपने हस्बैंड को बताया और ना ही अपने जब बता रहे कि सासू माँ को बताया, जब बता रहे इन्होंने परमेश्वर के आगे प्रार्थना जब भी करते थे तो जब बता रहे कि उस समय परमेश्वर के दास जब भी अपनी टेस्टिमनी बताते हैं कि जब भी उनके जीवन में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो कभी भी घर में परमेश्वर के जो दासी उनको भी नहीं बताते तो वो परमेश्वर के आगे प्रार्थना करते और पॉजिटिव विश्वास में बने रहते, प्लस वो अपना अंगीकार भी नहीं करते कि मुझे कोई प्रॉब्लम है, वो विश्वास में बने रहते हैं कि परमेश्वर मुझे सब प्रॉब्लम से मुझे परमेश्वर ने अच्छा किया है। तो जो बता रहे इन्होंने भी ऐसे फेथ किया, विश्वास किया कि जब परमेश्वर के दास जो विश्वास करते और किसी को नहीं बताते तो मैं भी विश्वास करती हूँ। और जो बता रहे कि इन्होंने 6वें मंथ में जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट कराई उसके बाद इन्होंने किसी को भी घर में बताया नहीं, जो रोज रोज विश्वास करते थे, धन्यवाद करते रहे, पॉजिटिव प्रेयर पॉजिटिव विश्वास करते थे कि परमेश्वर जी जो भी जी खाना पीना भी खाते थे उस समय जी प्रार्थना करते कि परमेश्वर जी मेरा HP भी परमेश्वर जी जितना
डिलीवरी के टाइम होना चाहिए आप कर चुके हो, प्लस जो बेबी का वेट जितना होना चाहिए वो भी कर चुके हो, क्योंकि डॉक्टर के मुताबिक 6वें मंथ में जो वेट होना चाहिए वो 700 ग्राम होना चाहिए, पर उस समय इनका जो बेबी का वेट था वो 540 ग्राम था। तो जे बता रहे कि जे विश्वास कर रहे थे, धन्यवाद करते रहे, और प्लस जब भी जे मीटिंग में आते थे उस समय भी जे बता रहे कि जब परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे दुखियों बीमारों के लिए, उस समय भी जे विश्वास करते थे कि परमेश्वर मेरी जितनी भी बॉडी में वीकनेस है, जो भी प्रॉब्लम है, सब कुछ नॉर्मल कर चुके। और जैसे ही जे बता रहे कि इन्होंने कोई भी मेडिसिन पर ज़्यादा मन नहीं लगाया, ना ही इनके मन में बार बार आया था कि जो 3 महीने बचे उसमें जो टेस्ट कराए जाए, HP का टेस्ट फिर से कराएं, कोई भी इनके मन में ऐसी सोच नहीं थी। बस इन्होंने एक ऐसा अंगीकार रखा कि बस मेरे लिए परमेश्वर सब कुछ पॉजिटिव कर चुके। तो जो बता रहे कि जब इन्होंने 5 नवंबर की मीटिंग को अटेंड किया, उस दिन प्रभु भोज था, तो जो बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास प्रभु भोज जब सभी ने लिया था, उस समय जैसे प्रार्थना की तो इनके हाथ में जो इन प्रभु भोज था उस समय इन्होंने उस प्रार्थना को रिसीव किया। पहले हमें इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। तेरी देह और मांस को खाएं, उनमें जीवन आए, तेरी शांति आई। खुदावंद ऑलरेडी मेरे मुंह से आज तू पहले इन्हें आशीष दे चुका है, यह भविष्यवाणी कर चुका है। यस खुदा, जब तेरी देह को, तेरे लहू को खाएं और पिए तो खुदा ये जीवन पाए, वो जीवन जो यूहन्ना 10:10 में तू स्वर्ग से लेकर आया है, उस जीवन को देखने पाए। धन्यवाद परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं कि इस बोस को और खाने वाले पीने वालों को भी ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। आमीन। अजय सिस्टर बता रहे कि जैसे इन्होंने इस प्रभु भोज को जब परमेश्वर के दास के द्वारा प्रेयर हुई, उस समय इन्होंने इस प्रेयर को विश्वास से रिसीव किया। परमेश्वर जी, जो मैं प्रभु भोज ले रही हूँ, जो भी कोई रहती कमी आज वो भी आप यीशु मसीह के नाम से पूरी कर चुके हो। और जो बता रहे कि इनको अभी 9वां मंथ स्टार्ट था, 1-2 दिन में ही जो बता रहे कि जो टेस्ट करवाना था इन्होंने और जैसे फिर उन्होंने विश्वास से भोज लिया और इन्होंने धन्यवाद किया, फिर इन्होंने अपनी फिर रिपोर्ट्स कराई, 9वां मंथ इनको लग चुका है। तो फिर इन्होंने वो 9वें मंथ में जब इन्होंने अपना अल्ट्रासाउंड और प्लस जो HP की रिपोर्ट कराई, तो जो बता रहे कि जैसे डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड चेक किया तो उसने बोला कि अभी आपके बेबी का जो वेट है वो 2.5 किलो से प्लस हो गया है, और जो HP है अभी वो उस रिपोर्ट को भी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और उसका भी डॉक्टर ने बताया कि 11 ग्राम अभी इनका HP है, जो कि डिलीवरी के टाइम इतना HP होना चाहिए। और आज परमेश्वर ने इनकी जो रिपोर्ट से सब नॉर्मल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसा इन्होंने फेथ विश्वास पॉजिटिव दिया था परमेश्वर को, आज इनकी रिपोर्ट्स भी नॉर्मल है, और जो बेबी का वेट है वो भी परमेश्वर ने जितना डिलीवरी के टाइम होना चाहिए आज पूरा कर दिया है। और इस ब्लेसिंग के लिए और परमेश्वर के दास का जो धन्यवाद करते, और परमेश्वर का भी कि सच में जो जो विश्वास और परमेश्वर के दास की बड़ी गवाहियों को सुनते थे और अपना भी इन्होंने वैसा ही फेथ और अंगीकार रखा, तो आज परमेश्वर ने इनको भी गवाही के साथ खड़ा कर दिया है। अरे परमेश्वर का धन्यवाद करते हम सब जोर से अपने हाथों को उठाएंगे, उस परमेश्वर की जोर से महिमा को करेंगे, क्योंकि सच में वो महिमा और तारीफ के जोग परमेश्वर है। हम सब धन्यवाद करेंगे क्लीसियस गवाही के लिए, जोर से। हालेलुया। कितने इस गवाही से समझते हैं कि हमें कैसा विश्वास करना चाहिए? मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस गवाही से कितने समझते हैं कि हमें कैसा विश्वास करने चाहिए जिससे परमेश्वर बड़े बड़े काम करें? बोलो क्या है परमेश्वर? क्योंकि कौन काम करता है? मैं नहीं करता, कौन करता है? मेरे तो सिर्फ परमेश्वर मुंह को इस्तेमाल करता है, काम कौन करता है? सारे विश्वास करते हो परमेश्वर मेरे मुंह को इस्तेमाल करता है और स्वर्ग का परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। सबसे मेन पॉइंट
क्या था इस गवाही में, इस बच्ची ने जो इन्होंने पॉजिटिव विश्वास दिया, क्योंकि इनकी जो प्रॉब्लम थी वो बेबी का वेट जो था वो कम था, बहुत ही ज्यादा। डॉक्टर ने बताया कि 540 ग्राम वेट है वो कि इतना नहीं होना चाहिए, 6वें मंथ में तो 700 ग्राम होना चाहिए था। मतलब 6 मंथ में जो बेबी का वेट है वो 540 ग्राम है, पर डॉक्टर ने कहा कितना होना चाहिए, 700 होना चाहिए। मतलब बच्चा वीक है, कमजोर है, उसकी ग्रोथ नहीं हुई। क्या नहीं हुई? पर सबसे मेन पॉइंट है कि जब इन्होंने 6वें महीने में टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने ये प्रॉब्लम बताई, तो उन्होंने सेम मेरी बात को पकड़ा। बोलो क्या है, जैसे पॉलस कहता है मैं मसीह की चाल चलता हूं तुम मेरी सी चलो। इफिसियों 5:1 में लिखा तुम परमेश्वर का अनुकरण करो, उसकी रीस करो। इब्रानियों 13:5 में लिखा तुम अपने अगुओं की भी रीस करो। क्या करो? अपने अगुओं की भी रीस करो। इसलिए जो बुद्धिमान है वो पकड़ते हैं। इन्होंने मेरी बात को पकड़ा कि जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं किसी को भी बताता, किसी को नहीं बताता, इवन अपनी मिसेस खुदा की दासी को भी नहीं बताता कि मुझे ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं अंगीकार ही नहीं करता, मैं विश्वास ही नहीं करता कि मुझे कोई प्रॉब्लम है। बोलो क्या है? मैं विश्वास ही नहीं करता। लिखा धर्मी पर हालात आएंगे पर रहेंगे, तो मैं फिर क्यों अंगीकार करूं, ऐसा विश्वास क्यों करूं कि मुझे प्रॉब्लम है, मुझे रोग है? मैं क्यों 10 लोगों को बताकर शैतान का वचन पूरा करूं? तो उन्होंने सेम यही चीज की। क्या की? इन्होंने सेम वैसे ही चाल चली जैसे मैं चलता हूं। और ऐसे काम कौन करता है? जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास मन है, जिसके पास विश्वास है। ये भी बड़ा जरूरी है, बुद्धि के साथ साथ मन और विश्वास भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए ना। तो इसके पास दोनों चीजें, बुद्धि भी है, मन भी है और विश्वास भी था। इसलिए कई बार क्या होता है, HP कम है। बोलो क्या? जितना होना चाहिए वो कम है। बेबी का वेट 540 है, 700 होना चाहिए, तो आगे जाकर कुछ भी प्रॉब्लम आ सकती है। पर डर नहीं रखा। और सबसे मेन पॉइंट कि अपने घर में किसी को नहीं बताया। तारीफ करो पहले इस बात की, किसी को नहीं बताया। हाँ? लोगों को खुश हो जाओ ना, क्या आ जाओ, लोगों को खुश हो जाओ ना, तो उनका चेहरा देखो, उनकी सोच देखो, उनका बोल देखो कैसा हो जाता है। पर ये सेम, बोलो क्या है, वो जीवन जी रही है जो परमेश्वर ने हमें जीने के लिए बुलाया है। बोलो क्या है ये जीवन? क्योंकि हमारे डर के अंदर, हमारे विश्वास के अंदर, सॉरी, डर नहीं होना चाहिए। तो इसके विश्वास के अंदर डर नहीं था कि आगे जाकर अगर कोई प्रॉब्लम, समस्या बड़ी खड़ी होगी तो मेरा हस्बैंड, मेरा पति कुछ बोलेंगे, मेरे घर वाले बोलेंगे। हाँ, पर सही फेथ बहुत कुछ पैदा करता है। बोल गए हैं, सही फेथ, सही विश्वास बहुत कुछ पैदा करता है। आप कुछ कहना चाहते हो? चलो मुझे थोड़ा बताओ कि जब आपने इस हालत में विश्वास किया तो आपके मन के अंदर कुछ विचार तो नहीं बनते थे, कुछ हो जाएगा तो मैं क्या करूंगी? जय श्री पापा जी, जय श्री मम्मा जी, जय मसीह की। पापा जी मुझे जो तुसी बताते थे मैं उन पर जलती थी कि ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है, ये कुछ हालात नहीं है, नहीं है। अब जरा से भी अपनी इस प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम में डरे नहीं, विश्वास में बने रहे। यस, पॉजिटिव विश्वास में बनी रही, पॉजिटिव प्रार्थना में बनी रही कि प्रभु सब कुछ अच्छा कर चुके हैं। प्रभु सब कुछ क्या है? अच्छा कर चुके हैं। और फिर आपने 9वें मंथ में फिर टेस्ट करवाया, फिर बेबी का वेट कितना आया? 2.5 किलो से प्लस आया। जो HP कम था वो कितना आया? 11 ग्राम
कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं है, सब नॉर्मल है। बोलो क्या, सब कुछ नॉर्मल है। ये सब कुछ कब होता और कैसे होता है? जब हम खुदा के साथ, उसके वचन के साथ, उस श्वास में खड़े रहते हैं। तारीफ कर तो इस बड़ी गवाही के लिए, इस बड़े काम के लिए। जोर से अपने हाथों को उठाकर, अगर आप विश्वास करते हो तो खुदावंद सेम, मैंने कहा इसी तरह से आपको भी ब्लेस करने वाला है, आपको भी छुटकारा देने वाला है। रिसीव करो इस गवाही को और आप भी आजाद हो जाओ, चंगे हो। ओके, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर और आपको आशीष दे।